Hello friends, do subscribe and click on ring icon to get fast notification. Welcome friends, self adhyayan par aaj ki tally ki class mein hum question number 4 ki taraf badhte hain aur ye hamara aakhri question hai adjustment ka. Isme hum kuch adjustment entry ke sath sath ye sari cheeze dekhenge practically ki hum किस तरीके से रिपोर्ट को बनाते हैं. यहाँ पर कुछ अदर इंफॉर्मेशन में एंट्रीज हैं लाइक क्लोजिंग स्टॉक, सैलरी हैव बीन ओनली फॉर 11 मंथ, कुछ एडजस्टमेंट हैं उनको हम किस तरीके से करेंगे. सबसे पहले हम कुछ लेजर पोस्टिंग कर लेते हैं और उसके बाद एडजस्टमेंट को हम देखते हैं. तो यहाँ पर प्रैक्टिकली करने के लिए हम एक फर्म बना लेंगे, जैसा कि पिछली कुछ वीडियोज में आपने देखा होगा हमने किस तरीके से एडजस्टमेंट करे हैं. और आप अगर न्यू हैं तो आप पिछले क्वेश्चंस को अच्छे से देख सकते हैं प्रैक्टिकली वो किस तरीके से हुए हैं, तो आपको क्वेश्चन इजीली समझ आ जाएगा. तो यहाँ पर जो पहली एंट्री है कैपिटल 80,000 रुपए, उसके लिए पहले हमें एक फर्म बनानी होगी. यहाँ पर टैली में हम एक फर्म बना लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है जो प्रैक्टिकली, उसको हम यहाँ से पास कर देते हैं और लेजर पोस्टिंग करते हैं कैपिटल की. कैपिटल जो कि हमारा कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा और जितना भी अमाउंट है उसका 80,000 रुपए वो हमने यहाँ पे डाल के पास करा दिया है. नेक्स्ट एंट्री है ड्राइंग, जो कि हमें विड्रॉ हुआ है एक तरीके से ड्राइंग, और ड्राइंग हमारी डेबिट साइड में मेंटेन होती है, आएगी कैपिटल अकाउंट में ही. 6,000 रुपए डालने के बाद हम इसे डेबिट साइड में मेंटेन कर देंगे, जो कि हमारा रूल है. हमने देखा था ड्राइंग अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है कैपिटल में से तो आपको उसका जो मेंटेन है वो डेबिट साइड में डालना पड़ेगा. नेक्स्ट एंट्री है ओपनिंग स्टॉक की 45,000 रुपए, और ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर स्टॉक इन हैंड में लेते हुए हमें डाल देना है 45,000 रुपये से. उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज 2,60,000 रुपये, वो भी हम यहाँ पर डाल देंगे परचेज अकाउंट में लेते हुए 2,60,000 रुपये से. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी सेल्स 3,10,000 रुपये की, और सेल्स जाएगा सेल्स अकाउंट में 3,10,000 रुपये से. उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट है फर्नीचर 10,000 रुपये, और फर्नीचर हमारा होगा फिक्स्ड असेट्स के अंदर, और 10,000 रुपये से हमें इसे पास करा देना है. देन हमारी जो नेक्स्ट एंट्री है वो है सन्ड्री डेटर 40,000 रुपये, और सन्ड्री डेटर हमारा सन्ड्री डेटर अकाउंट में जाएगा, 40,000 रुपये से हमें इसका अमाउंट पास करा देना है. देन हमारा जो नेक्स्ट एंट्री है वो है फ्राइट 4,600 रुपये, जो कि हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लेते हुए हम इसे पास करा 4,600 रुपये से एंट्री पास करा देंगे. उसके बाद है हमारा ट्रेड एक्सपेंसेस 500 रुपये, और ट्रेड एक्सपेंसेस हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि व्यापार से रिलेटेड खर्चा है आपका, 500 रुपये हमें इसमें डालते हुए पास करा देना है. नेक्स्ट एंट्री है सैलरी 5,500 रुपये, सैलरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफिस का खर्चा 5,500 रुपये से पास करा दी. नेक्स्ट है रेंट 2,400 रुपये, और इसे भी हमने डालते हुए पास करा दिया. अब सेकंड कॉलम में आप देखेंगे डिस्काउंट है 200 रुपये, और डिस्काउंट हमें ले लेना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही, 200 रुपये से हमने एंट्री पास कर दी. बैड डेप्ट हमारे हुए हैं 1,600 रुपये के, और बैड डेप्ट हमें ले लेना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, 1,600 रुपये से हमें अमाउंट पास करा देना है. उसके बाद की हमारी एंट्री है प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, हमने डिस्काउंट दिया है एक तरीके से बैड डेप्ट पर, 900 रुपये है प्रोविजन, और ये भी हमारा खर्चे में जाएगा, 900 रुपये से हमें ये एंट्री पोस्ट करनी है. और भी कुछ एंट्रीज बची हैं लाइक क्रेडिटर 20,000 रुपये, और क्रेडिटर हमें ले लेना है, क्रेडिटर हमें सन्ड्री क्रेडिटर में डालते हुए 20,000 रुपये से एंट्री को पास करा देना है. उसके बाद कैश का लेजर है 5,200 रुपये, और कैश हमें बनाना नहीं है, कैश 5,200 रुपये आपको ऑल्ट्रेशन में जाके डालना होगा, क्योंकि इसका हमें लेजर बनाना नहीं होता है, ये लेजर ऑलरेडी अवेलेबल होता है. बाकी के कुछ लेजर्स हैं वो हम बनाएंगे, जैसे बैंक है 5,800 रुपये, तो बैंक का लेजर हमें डाल देना है बैंक अकाउंट में, और 5,800 रुपये से ये एंट्री पास करा देनी है. नेक्स्ट एंट्री हमारी गुडविल की 20,000 रुपये, जो कि हमारी करंट असेट्स है,
और इसे लेते हुए हमें इसका अमाउंट डालते हुए पास करा देना है। नेक्स्ट एंट्री है हमारी कमीशन रिसीव 1300 रुपये, और कमीशन रिसीव हमारी इनडायरेक्ट इनकम है, इसे 1300 रुपये से पास करा देना है आपको। नेक्स्ट एंट्री है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 5000 रुपये की, और एडवर्टीजमेंट ले लेना है आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, 5000 रुपये से ये एंट्री पोस्ट करनी है। देन फाइनली हमारा जो आखिरी का है इंश्योरेंस प्रीमियम 400 रुपये, जो कि हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो हमें लेते हुए पास करा देना है। तो सारी एंट्रीज अभी हम पोस्ट कर चुके हैं, अब हम इनकी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे आइए वो भी देखते हैं। यहाँ एडजस्टमेंट में पहली एंट्री है क्लोजिंग स्टॉक 53000 रुपये की, और ऑल्टरेशन में ही आपको पता है ओपनिंग स्टॉक के साथ आपको 31 मार्च पास कराते हुए यहाँ पे ले लेना है 53000 रुपये से ये एंट्री। तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री ऑल्टरेशन में आपने डाल दी है ओपनिंग स्टॉक के साथ, बाकी की एंट्री की हम एडजस्टमेंट बनाएंगे वो भी F7 के अंदर। तो यहाँ पे सेकेंड ट्रांजेक्शन आप देखेंगे सैलरी हैव बीन ओनली फॉर 11 मंथ, और एक मंथ की आउटस्टैंडिंग रह गई है। और ऊपर की तरफ अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी हमारी यहाँ पर है 5500 रुपये, और 5500 रुपये 11 मंथ की दी गई है, इसका मतलब 11 से अगर हम 5500 को डिवाइड करते हैं तो 500 रुपये हमारी अभी आउटस्टैंडिंग है। तो आपको एंट्री क्या करनी है, सैलरी अकाउंट डेबिट 500 रुपये से, और आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमें ले लेना है करंट लाइबिलिटी के अंदर, और लेते हुए हमें इसे पास करा देना है 500 रुपये से। तो हमारी एंट्री पोस्ट हो चुकी है सैलरी की। नेक्स्ट हमारी है प्रीपेड इंश्योरेंस 100 रुपये की, और 100 रुपये हमारा करंट असेट्स है। F7 में ही हमें ऑल्ट सी करते हुए एक लेजर बना देना है प्रीपेड इंश्योरेंस का, जो कि हमें ले लेना है करंट असेट्स के अंदर। 100 रुपये से हमें एंट्री पोस्ट करनी है, जो कि हमने पहले से ही पेड कर दिया था, और ये एंट्री हमने पास करा दी है। नेक्स्ट एंट्री प्रीपेड कमीशन की है, और ओल्ड सी करके हमें इसका भी लेजर बनाना है प्रीपेड कमीशन, और प्रीपेड कमीशन आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में नहीं डालना, ये करंट असेट्स में ही आएगा। एंट्री अमाउंट है 122, और कमीशन से ही आपको ये एंट्री पास करा देनी है, कमीशन का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है। नेक्स्ट फोर्थ एंट्री हमारी हो चुकी है, अब फिफ्थ एंट्री है हमारी सन्ड्री डेटर 3% के कम हो चुके हैं, यानी कि प्रोविजन दिया है, और जो हमारे डेटर हैं वो यहाँ पर हैं 40000 रुपये के, तो 40000 का 3% होता है 1200 रुपये, तो आपको लेजर बना देना है प्रोविजन ऑन डेटर। वैसे प्रोविजन ऑन डेटर ऑलरेडी बना हुआ है, आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं, और चाहें तो अलग से भी बना सकते हैं प्रोविजन ऑन डेटर का। 1200 रुपये लेते हुए सन्ड्री डेटर हमारे कम हो जाएंगे 1200 रुपये से। नेक्स्ट एंट्री हमारी है फर्नीचर, 10% डेप्रिशिएट हुआ है, और फर्नीचर की यहाँ पर जो वैल्यू है वो है 10000 रुपये, और 10000 रुपये का 10% आपका होता है 1000 रुपये। तो ओल्ड सी से आपको एक लेजर बना देना है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, जो कि ले लेना है आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, 1000 रुपये से एंट्री पास करनी है, और फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट रख देना है। तो ये सारी एंट्री हमने पोस्ट कर दी है, और फाइनली हमारी एंट्री बचती है प्रीपेड एडवर्टीजमेंट 75%। एडवर्टीजमेंट का यहाँ पे अमाउंट हमारा है 5000 रुपये, और 5000 रुपये का 75% हमारा होता है 3750 रुपये। तो यहाँ पर हमें ओल्ड सी से प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट की एंट्री करनी है, जो कि करंट असेट्स में आपको डालनी है, और जो है हमारा 75% यानी कि 3750 रुपये, आप कंट्रोल एन करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 5000 × 75% जो कि आ जाता है नीचे 3750 रुपये। तो एडवर्टीजमेंट का हमारा अमाउंट कम हो जाएगा। सारी एडजस्टमेंट लगभग हम कर चुके हैं, और अब हम चेक करते हैं अपना बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में आप F2 से डेट बदलेंगे तो 1,25,972 रुपये यहाँ पर आ रहा है। देन हमारा थोड़ा सा मिस्टेक आ रहा है यहाँ पे, मिस्टेक की वजह है कि हमने F11 F1 करके अपना मेंटेन अकाउंट ओनली को यस नहीं करा, जिससे हमारा क्लोजिंग स्टॉक में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है।
अब हम इसकी फिर से डेट चेंज करके देखते हैं, और 1,35,772 रुपये, जो कि हमारा बैलेंस शीट बिल्कुल ठीक आ रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी हम डेट चेंज करने के बाद देखेंगे। नेट प्रॉफिट आपका आ रहा है 39,472 रुपये, जो कि बिल्कुल ठीक है, और डिस्प्ले के अंदर ट्रायल बैलेंस 4,13,722 रुपये से। तो लगभग हमारी सारी एंट्रीज हो चुकी हैं और ये चैप्टर भी फिनिश हो चुका है। अगर आपका इस चैप्टर से कोई भी क्वेरी है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी वीडियोस और भी आएंगी, कुछ दिनों से थोड़ा प्रॉब्लम था गले में, आवाज़ में थोड़ा दिक्कत है, तो आपको इसकी वीडियोस और भी थोड़ा सा लेट मिल सकती हैं। होपफुली आज का वीडियो आपको पसंद आया। बाकी के अपडेशन के लिए जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ।